जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। कैसे हैं आप लोग सब? 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। 18 सितंबर यानी के रविवार वाले दिन मंगल धनु में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 7:42 पर और शुक्र तुला में प्रवेश कर जाएंगे 18 सितंबर को देर रात तक। अब 21 तारीख को बुध मार्गी होने जा रहे हैं और ये दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, तो अपनी अपनी तिथियों के हिसाब से आपको अगर श्राद्ध करना है तो ध्यान दीजिए पंचांग पर, लेकिन मैं यहाँ पर श्राद्ध का विवरण नहीं दे रही हूँ। मेष राशि से लेके मीन राशि तक का भविष्य आप सभी के लिए। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा द्वादश है तो खर्चे का दिन है, दो दिन ये, और कोई अगर फॉरेन से रिलेटेड काम बनाने हैं तो वो बन जाएंगे। आपके अभी भी शनि बना हुआ अष्टम है लेकिन मुक्त हो गए मंगल से, तो बहुत दिनों से जो तबीयत खराब चल रही थी उससे छुटकारा मिला और सन्मुख शुक्र आने से आपकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध, आपके स्पाउस के साथ अच्छे संबंध, और दूसरी बात आपका दिमाग बहुत सही चल रहा है बुध राहु युति से। हालांकि ये थोड़ा सा कभी गलत व्यवसाय में सोच सकते हैं, उसको कंट्रोल कीजिएगा गणेश जी की पूजा से। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके सन्मुख है शनि जो के मुक्त हो चुके हैं मंगल से, तो उस वजह से आपके स्पाउस के साथ आपके पार्टनर के साथ जो झगड़े चल रहे थे वो खत्म। हाँ, मंगल अष्टम में आने से थोड़ी सी आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो सद्बुद्धि से सोचिएगा, क्योंकि सद्बुद्धि इन दिनों आपको गुरु सूर्य से मिल रही है। आज लाभ का दिन है, आज पैसे आने का दिन है और आपके विरोधी शांत रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब स्वस्थ है तृतीय में, तो आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, आपका काम बढ़ा हुआ है और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये स्थिति बदलेगी आज ही से 18 सितंबर से और थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे, बहुत दिनों से जो इलाज नहीं हुए आपके इलाज हो जाएंगे और आपके विरोधी थोड़े शांत होंगे, आप एंजॉय करेंगे। तुला के शुक्र को आपके बच्चों का नाम होगा, काम होगा। दूसरी बात, आज दशम में चंद्रमा है तो कोई भी बैंकिंग रिलेटेड, कोई पैसे से रिलेटेड काम बनाना है तो बनाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्न का स्वामी चंद्रमा आज जाकर बैठा भाग्य में, तो ये सप्ताह अच्छा कर्क राशि के लिए और बहुत एंजॉय करेंगे कर्क राशि वाले, काम पैसा और जो अच्छी अच्छी खबरें इनके लिए आएंगी। इनकी माता इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, इनकी माता से इनको वाहन मिला है या इनकी माता से बहुत सुख मिलेगा। इनके पराक्रम बढ़ रहे हैं क्योंकि गुरु सूर्य वहां बैठे हुए हैं, ये काम अच्छे से करेंगे। हाँ, गलत सोच रहे थे बहुत ज्यादा, वो अब आधा ठीक हुआ है। अभी भी शनि महाराज के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना बहुत जरूरी 24 जनवरी तक। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य अभी स्वस्थ है गुरु के साथ में, तो आपको परिवार से खुशी मिल रही है, लेकिन राहु बैठा हुआ लग्न में, उस वजह से आपको सूर्य के जाप और गायत्री की आराधना शुरू रखनी है। मंगल शनि युति चतुर्थ में खत्म होने से आपकी माँ की तबीयत सुधर जाएगी, आपके घर में वाहन आ सकता है, लेकिन अभी रुक जाए, 24 जनवरी के बाद ही लाएं तो अच्छा है। पराक्रम बढ़ेगा, आपके सिबलिंग्स आपके काम में हाथ बटाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न बैठा गुरु सूर्य इनके लिए शादी का प्रस्ताव लाता है और इनके लिए अच्छी अच्छी खबरें आती हैं। इसके अलावा इनके परिवार में बहुत खुशी और धन आ रहा है और धन आने से इनकी वाणी में भी ओज आया हुआ है, रोमांटिक हो रहे हैं इनके परिवार वाले भी और ये खुद भी चाहते हैं घूमना फिरना, लेकिन अभी रुकिए, प्रवास के लिए अभी अच्छे दिन नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म विदेश प्रवास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज और कल अपने स्पाउस या पार्टनर से मिलेगी आपको खुशी। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में शुक्र होने की वजह से आपकी निकल पड़ी है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो इन दिनों को, आप महालक्ष्मी की आराधना करके इन दिनों का मजा दुगना कर सकते हैं। अभी द्वादश में गुरु सूर्य बने रहने से आपके खर्चे बेहद बढ़े हुए हैं, लेकिन आपकी विदेश यात्रा अच्छी हो रही है, पैसे आ रहे हैं। कटुता छोड़ दीजिए वाणी से और परिवार में जो असंतोष है उसके लिए आप हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, शिव जी को जाके जल चढ़ाइए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शनि जो बेचैनी बना के बैठा था मंगल के साथ वो खत्म हो चुकी है, आप काफी रिलैक्स हैं और अभी चंद्रमा जो आपके पंचम में बैठा हुआ है वो आपको कूल बनाता है, दो दिन आप एंजॉय करेंगे, जाइए घूम फिर आइए, पैसे तो आ गए हैं और खर्चे भी उतने ही अच्छे प्यारे वाले, जैसे आप अपने स्पाउस पे खर्चे करेंगे अपने पार्टनर पे खर्चे करेंगे ये सब दिखता है मुझे, और वैसे आपका काम अच्छा बना हुआ है। धनराशि,
धनराशि के लिए लग्न में मंगल इनको गुस्सेबाज बनाता है। हालांकि इनकी परेशानियां दूर हो चुकी हैं, इनके काम अच्छे हो रहे हैं, इनका भाग्य उज्जवल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो भाग्य में अभी और रुकावट है उसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी जरूरी है। अभी प्रवास रिस्ट्रिक्टेड है आपके, और जो विदेश प्रवास है उसमें भी आपको खास एंजॉयमेंट नहीं दिखती मुझे फिलहाल, तो आप जहां पर हैं वहां पर अपना काम एंजॉय कीजिए। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा नाम इनका होने जा रहा है। इनको मीडिया से रिलेटेड बहुत अच्छा काम मिल रहा है। इनके भाग्य उज्जवल हो रहे हैं गुरु और सूर्य से, इनके शादी के योग भी बन सकते हैं। अष्टम में बुध राहु इनको जो पेट की परेशानी देता है और थोड़ी सी जुकाम सर्दी इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनको करना चाहिए, थोड़ा सा पंछियों को दाना डालना चाहिए। और इनके प्रवास का जो अभी बन रहा है मामला वो अच्छा है, ये 2 दिन आप प्रवास कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए दशम में बैठा शनि अब मुक्त है मंगल से, तो काम पर जो झगड़े चल रहे थे वो अब खत्म है। आपके पिताजी की तबीयत अगर खराब थी तो वो अब ठीक है। आपका व्यवसाय अगर बहुत खराब था तो वो अब ठीक है। और आपको अच्छी खबरें आ रही है, भाग्य खुल गया आपका। बस आपको अपने पेट से रिलेटेड परेशानियों पर ध्यान देना है, और अपने स्पाउस के साथ कुछ अनबन है तो उसको अपनी सद्बुद्धि से और अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल करके उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ये समय भी टल जाएगा। अभी 2 दिन पैसे आने के दिन। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ, सन्मुख देखने से आपको काम मिल रहा है, और ये काम आप और बनाएंगे जोर से मंगल के आने पर। मंगल शनि युति खत्म होने पर आपको कई काम ऐसे नजर आएंगे जो बहुत रुके हुए थे, वो थोड़े बहुत खुलेंगे, ज्यादा तो आपके 24 जनवरी के बाद ही खुलेंगे सरकार। और अभी तो फिलहाल अपनी हेल्थ को एंजॉय कीजिए, अपने पार्टनर को एंजॉय कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी श्रोताओं को ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए और वृद्धों की सेवा कीजिए। पौधे लगाने से व्यवसाय बढ़ता है, पौधे लगाने से खुशहाली आती है, पॉल्यूशन खत्म होता है। वृद्धों की सेवा करने से आपको आशीर्वाद मिलते हैं। वृद्धों के साथ में शनि राहु की चिंता आपकी कुंडली में दूर होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले सप्ताह साप्ताहिक राशि भविष्य के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।